हमारे 15 तरीके के हम एंजल्स को सीखते हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर ये एक मिथ होता है कि एंजल्स जो होते हैं वो क्रिश्चियनिटी के साथ जुड़े हैं। ऐसा नहीं है, वो कोई भी धर्म के लोग उसको सीख सकते हैं। एंजल्स का कोई अपना धर्म नहीं होता, अपना कोई जेंडर नहीं होता। आप उनको जिस रूप में देखना चाहेंगे वो आपको उसी रूप में दिखेंगे, ठीक है। एंजल्स का अपना कोई धर्म नहीं होता, अपना कोई जेंडर नहीं होता। आप जिस रूप में उनको देखना चाहेंगे आप उनको उसी रूप में देख सकते हैं। हमारे गार्जियन एंजल्स होते हैं, 15 एंजल्स हमारे ये होते हैं। हर एंजल्स के अपने अलग अलग काम होते हैं, हर एंजल्स के अपने अलग अलग कलर्स होते हैं, उनकी अपनी अलग अलग फिग्रेंस होती है जो कि हम आगे क्लासेस के अंदर सीखेंगे, ठीक है। और हमारे दो गार्जियन एंजल्स होते हैं, कम से कम दो तो सबके पास ही होते हैं। एक मदर के रूप में होता है, एक फादर के रूप में होता है, लेकिन किसी किसी के बाद में दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी किसी के पास में बहुत सारे हो सकते हैं। फादर के रूप में एंजल है, फादर के रूप में मतलब कि थोड़े से स्ट्रिक्ट एंजल होते हैं, और मदर के रूप में होते हैं जो थोड़े से इमोशनल एंजल्स होते हैं, थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। दोनों एंजल्स है, जैसे एक मदर होती है वो भी हमारे जीवन में उतनी ही जरूरी है जैसे कि एक फादर हमारे जीवन में जरूरी है। दोनों लोग हमारे जीवन में जरूरी है, उसी तरीके से ये एक कॉम्बिनेशन है जो हर किसी के पास होते हैं। जब हम अपने गार्जियन एंजल्स का मेडिटेशन करते हैं, जब हम गार्जियन एंजल्स के बारे में जानते हैं, देन हमको ये समझ में आता है कि कभी कभी हम जैसे अपने किसी भी ईश्वर की, जैसे हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो सब भी तो एक एंजल्स के रूप में ही हैं। जब भी हमें किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है हम तुरंत उनको इन्वोक करते हैं और वो हमारी हेल्प करते हैं। ऐसा अधिकतर आप सभी लोगों के साथ हुआ होगा जो लोग भी यहाँ पे बैठे हैं। तो इसी तरीके से हम उनको इन्वोक करते हैं और वो हमारे को प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें ऐसा कोई धर्म नहीं है, जैसे कि आप मुस्लिम लोग देख लीजिए, मुस्लिम लोग अपने पैगंबर्स को मानते हैं तो वो भी एक तरीके से एंजल्स हैं। क्रिश्चियंस अपने अलग तरीके से, हर धर्म में अपने अपने एंजल्स होते हैं और सब उनको मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें उन्हें इन्वोक करना है, वो हमारे पास आने चाहिए और हमारी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन वो हमसे तभी कनेक्ट होते हैं जब हम प्योर सोल होते हैं, जब हम अपने आप को प्योरिटी के लेवल पे लेकर आते हैं। जब भी हम एंजल कोर्स को जब भी हम सीखते हैं एंजल कोर्स, तो हम उसमें अफर्मेशन सिखाते हैं जो कि आपको रेगुलर बोलना है, जो आपको इजी करता है एंजल्स के साथ कनेक्ट होने के अंदर। उसके साथ साथ आप हम एक एंजल बुक बनवाते हैं जिसके अंदर आप अपनी रोज की अपनी प्रॉब्लम्स, उसके अंदर जो भी आपके जीवन में चैलेंजेस चल रहे हैं आप वो लिखेंगे, और आप उसको वो हो गए हैं, यू नो पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में हम उसको लिखते हैं कि वो काम हमारा हो गया, और हम एंजल्स को उसके लिए थैंक यू बोलते हैं। जितना ज्यादा आप किसी को ग्रैटिट्यूड देते हो, जितना ज्यादा आप किसी को थैंक यू बोलते हो, उतना ही कहते ना, हम जो चीज देते हैं वो चीज हमको मिलती है, 100 टाइम डबल होकर हमको वो चीज मिलती है। जो चीज हम यूनिवर्स को देते हैं वही चीज हमें यूनिवर्स वापस करता है। तो आप जितना थैंक यू बोलेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। तो जब भी हम उसकी उसमें बनाते हैं, हम जो भी बुक बनाते हैं, हम उसमें जो हम लिखते हैं, मैं आपको कहती हूँ कि आप उसमें अपनी रोज तो आप अपना लिखो ही कि आज मेरे दिन में मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या सब कुछ हुआ, थैंक यू एंजल्स, आप आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया, जो भी आपके पूरे रोज के रूटीन में जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो आप उसमें लिखे। उसके अलावा आप उसके अंदर अपने 100 चैलेंजेस लिखे, क्योंकि जब आप लिखने बैठेंगे ना तो आपके पास इतने सारे चैलेंजेस होंगे। चैलेंजेस हम देखो प्रॉब्लम नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं चैलेंजेस, कि ये हमारी लाइफ में चैलेंज चल रहा है और हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। प्रॉब्लम तो फिर प्रॉब्लम ही है, उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, फिर हम प्रॉब्लम पे काम करेंगे तो बस प्रॉब्लम पे ही काम करेंगे। तो हमें प्रॉब्लम पे काम नहीं करना है, हमको सोल्यूशन पे काम करना है। तो वो हमारी लाइफ का एक चैलेंज है और हमें उसको सॉल्व करना है। तो आप उसमें अपने जीवन के 100 चैलेंजेस लिखिए, और जब आप लिखने बैठेंगे तो आपको आराम से 100 चैलेंजेस मिलेंगे अपने जीवन में।